नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाने वाले हैं। जैसे ही ये फॉर्म आता है, यहाँ पे आपको ओपनिंग और क्लोजिंग डेट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट नंबर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है और ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, ये फॉर्म जो भी कोस्ट गार्ड के फॉर्म आते हैं, चाहे नाविक हो, चाहे यांत्रिक हो, चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, ये सारे फॉर्म आपको मिलेंगे रोजगारिजल्ट.com पर। एक ट्रस्टेबल एक पुरानी वेबसाइट रोजगारिजल्ट.com आपको खोलना है। यहाँ पे देखेंगे टॉप ऑनलाइन फॉर्म पे आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ, फिर हम सीधा चलेंगे फॉर्म भरने पर। दोस्तों, जिस दूसरी वेबसाइट का मैं नाम दे रहा हूँ, उसका नाम है सरकारी रिजल्ट.com। गूगल पे जब भी आप सरकारी रिजल्ट लिखिए, लास्ट में .com जरूर चेक कीजिए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी नकली वेबसाइट है, जिसमें आपको गलत जानकारी, अधूरी जानकारी और हो सकता हो आपको फॉर्म भी ना मिले। अब हम सीधा चलते हैं फॉर्म को अप्लाई करने पर। आपको जैसे ही आपको वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप जो है किसका, आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने मेल पे क्लिक कर दिया और आई एग्री पे क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फॉर्म आपका पूरा खुल गया है। ये सारी जानकारी आपको देनी है। तो फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। मैं अपना नाम डाल देता हूँ, मेरा नाम है सुरेश कुमार। अपने पिता का नाम डाल देता हूँ, मैं रमेश कुमार। अपनी माता का नाम डाल देता हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी है। नेक्स्ट अपना जो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ बता दें आपको, जो आपका नोटिफिकेशन नंबर है उसके हिसाब से आपको डालनी पड़ेगी। उसमें आप एलिजिबल है कि नहीं, ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अगला ऑप्शन है आपको मेरिट अनमेरिट का चयन करना है कैटेगरी के बाद। यहाँ पे पूछा है कि आप EWS सेक्शन में तो नहीं आते, ये केवल जनरल वालों के लिए, जो नई कैटेगरी बनी है उनके लिए है। यहाँ पे पूछा है कि आपको स्विमिंग आती है, अगर आपको आती है तो यस कीजिए, नहीं आती है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे पूछा आपके पास स्पोर्ट्स कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट वगैरह है, अगर ऐसा कुछ है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे पूछा कि आप डिफेंस वगैरह तो किसी से रिटायर्ड वगैरह तो नहीं हुए, अगर आपका ऐसा है तो यहाँ पे यस करना है, यहाँ पे सर्विस टाइप क्लिक करना है। अगर आपका ऐसा कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो है एड्रेस डालना है, मैंने अपना एड्रेस डाल दिया। और नेक्स्ट अपना जो स्टेट जो है डाल दिया। नेक्स्ट अपनी जो है डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट डाल दी। अपना जो है पिन कोड जो है पिन कोड डाल दिया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको अपनी सिटी डाल देनी है। नेक्स्ट आपको अपना जो है मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, मगर आपका अलग अलग है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको सेंटर सेलेक्ट करना है। सेंटर बता दें केवल चार है, पहला आपका जो है आप नोएडा ले सकते हैं, अगर आप यूपी बिहार मध्य प्रदेश वगैरह से बिलोंग करते हैं तो, बाकी आप कोलकाता है, गोवा है, चेन्नई है, तो सबसे ज़्यादा जो लोग उसमें चयन करते हैं वो नोएडा वाले सेंटर का ही करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको नियरेस्ट पड़े उसका आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एनसीसी का ऑप्शन पूछा है कि आपके एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है, ABC अगर आपके पास कुछ है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ABC, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। आपने इससे पहले कोई FSB SSB का एग्जाम दिया है तो उसकी जानकारी भी आपको देनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है क्लास 12 यानी कि इंटरमीडिएट आपने जो है कब पास किया। इंटरमीडिएट आपने जब भी पास किया आपको जो है जानकारी दे देनी है। यहाँ पे जो है आपको डाल देना अपना सर्टिफिकेट नंबर, आपको बता दें आपकी जो डिग्री होगी उसके पे जो है आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम डालना है, बता दें बोर्ड का नाम यहाँ पे यूपी बोर्ड जो है आपको बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से मिलना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे अभी तक दिखा नहीं, तो अलग अलग बोर्ड है, यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड है, मैं यूपी बोर्ड को देख रहा हूँ तो देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे यूपी बोर्ड के नाम से ही दिया हुआ है, और संस्कृत बोर्ड अलग दिया है, तो यूपी बोर्ड में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पूछा आपको कितना नंबर जो है मिला है, कितने नंबर का था और कितना नंबर आपको मिला है। यहाँ पे आपका परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। सेम उसी तरह आपको जो है पूछ रहा है आपका PG जो है आपका कब है। यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर यानी कि डिग्री का नंबर, डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल का नंबर भी जो है यहाँ पे दे सकते हैं। अगला पूछा आपके किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखता हूँ, अगर मुझे मिल जाता तो ठीक है, नहीं मिलता तो आप पहला ऑप्शन अदर है उस पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देख रहा हूँ, मुझे यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम जो है मिल चुका है। जी हाँ, ये देखिए Dr. B.R. Ambedkar यूनिवर्सिटी आगरा दिया हो। यहाँ पे तीनों ईयर का आपको अलग अलग नंबर देना है कि तीनों साल में आपका कितना नंबर था, और यहाँ पे मैं अपने तीनों साल का जो नंबर है वो दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे थर्ड ईयर का नंबर भी मैंने दे दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज आपका ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपके पास PG अपीयरिंग है या पास आउट है तो आपको यहाँ भरना, अगर अपीयरिंग है तो यहाँ पे अपीयरिंग पे टिक करना, अगर कुछ नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 यानी इंटरमीडिएट में आपका फिजिक्स में कितना नंबर था आपको उसकी जानकारी देनी है, और यहाँ पे आपको मैथ में कितना नंबर था उसकी जानकारी देनी है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको फोटो लगानी है। फोटो का साइज बता दें 10 से 40 KB के बीच होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज 10 से 30 KB के बीच होना चाहिए। आपको बता देता हूँ एक ऑनलाइन टूल जिसकी मदद से आप इसको रिसाइज भी कर सकते हैं। आपको rozgarrizal.com खोलना है, यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइज योर फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन है, आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी,
फोटो या सिग्नेचर जिसका भी साइज आपका ज्यादा है, जैसे मैंने देखिए अपनी फोटो अपलोड की, मान लीजिए इसका साइज ज्यादा आ रहा है तो हम यहाँ से उसको कम कर सकते हैं, हम अपनी विड्थ और हाइट को कम कर देंगे तो इसका साइज कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए साइज कम है तो हम इसको यहाँ से बढ़ा देंगे और उसको रिसाइज करके डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आप अपने सिग्नेचर पर भी कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से अपने फोटो सिग्नेचर को ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं बिगैर किसी टूल्स की मदद से। तो अब यहाँ पे फोटो सिग्नेचर को लगा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंप्लॉयमेंट की डिटेल्स पूछा, यहाँ पे प्लेस पूछा है, प्लेस आपको जहाँ से आप इस फॉर्म को भरे उसका प्लेस डाल दीजिए। आगे बढ़ते मान यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट करना है। दोस्तों सबमिट करते मान ये फॉर्म तुरंत सबमिट हो जाएगा, इसलिए सबमिट करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे फॉर्म को अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए क्योंकि कोई भी प्रीव्यू नहीं खुलता है। तो आपको सबमिट करने से पहले इस चीज़ का बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी भरी गई है वो सबको सही है कि नहीं दोस्तों। सबमिट करने के बाद आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है और जब उसका एडमिट कार्ड आएगा जिसकी जानकारी भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।